नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, आपकी मंगल कामना के साथ और आज मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम एक नई कहानी अध्ययन करने वाले हैं। हाँ, विनोदपूर्ण कहानियों में से मुल्ला नसरुद्दीन की आज एक नई कहानी हम श्रवण करेंगे। कहानी का शीर्षक है मुल्ला को बादशाह का अपशकुन। आइए कहानी की ओर बढ़ते हैं। हाँ, एक दिन बादशाह अपने साथियों के साथ शिकार खेलने जा रहे थे। तभी क्या होता है, तभी सामने से मुल्ला नसरुद्दीन आते हुए दिखाई दिए बादशाह को। मुल्ला को देखते ही बादशाह की जो भौहें थी वह तन गई और आंखों में क्रोध उतर गया बादशाह की। अब बादशाह गुस्से से चीख उठे, अब आज अच्छा शिकार नहीं मिलेगा, यह मनहूस मुल्ला कहाँ से सामने आ पड़ा। अर्थात जैसे ही मुल्ला बादशाह को नजर आते हैं तो बादशाह गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं और क्रोध भरे स्वर में कहते हैं, आज अच्छा शिकार हमें नहीं मिलेगा क्योंकि यह मनहूस मुल्ला जो है हमारे शुभ काम में अशुभ बन के सामने आ गया है। अब बादशाह अपने सिपाहियों को आदेश देता है कि इसे 5 कोड़ों की सजा दो। आगे अब मुल्ला जैसे ही सुनता है झुककर बादशाह को सलाम करता है और निवेदन करता है और कहता है, बादशाह सलामत, लेकिन मेरी बात तो सुनिए। मुल्ला आगे कुछ बोलने ही वाला था कि इसके पहले ही बादशाह के सिपाही जो है मुल्ला पर कोड़े लगाने लगे। सटाक सटाक मुल्ला चीखते चिल्लाते रहे। आगे इसके बाद बादशाह अपने साथियों के साथ आगे बढ़ गए जंगल की ओर। थोड़ी देर में सभी जंगल में पहुंचे। जंगल में एक सुंदर सरोवर था, अर्थात तालाब था। उस सरोवर के पास एक ऊंचा पेड़ था। वहां मचान बनाकर तैयार रखा गया था। हाँ, बादशाह मचान पर आराम से बैठ गए। पेड़ की डालियों पर तीर कमानों भालों आदि से लैस सिपाहियों ने अपना अपना स्थान ले लिया। शिकार करने के लिए पहले से ही मचान तैयार किया गया था और उसी पेड़ पर सिपाही अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर तैयार बैठे थे कि शिकार आए और हम उसका शिकार करें। पेड़ की डालियों पर तीर कमान और भालों आदि लेकर सिपाही बैठे थे। सभी की नज़रें चारों ओर घूम रही थी और शिकार को खोज रही थी। ज़्यादा देर तक शिकार का इंतज़ार नहीं करना पड़ा। बादशाह की तकदीर जागी। एक हष्ट पुष्ट बाघ सरोवर में पानी पीने के लिए आया। अब तो उन्हें अपना शिकार मिल गया। आगे बादशाह ने ठीक से निशाना साध कर तीर छोड़ा। तीर बाघ के सीधे सीने में लगा। इतने में सिपाहियों के तीर भी छूटे और कुछ ही क्षण के बाद सिपाहियों के भी तीर छूट गए और बाघ जमीन पर ढेर हो गया, अर्थात बाघ का काम तमाम हो गया। अब बादशाह तो बहुत प्रसन्न हुए। दरबार में पहुंचकर बादशाह ने मुल्ला को बुलवाया और कहा, अरे मुल्ला जी, आप तो बहुत शकुन वाले निकले। हम आपके शकुन लेकर निकले थे, इसलिए अधिक इंतज़ार किए बिना ही हमें अच्छा शिकार मिल गया। मुल्ला अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते रहे। इसके बाद मुल्ला जी धीरे से बोलते हैं, लेकिन बादशाह सलामत,
आपके शकुन होने पर मुझे तो कोड़े ही पड़े, उसका क्या? विद्यार्थियों, कहानी आपको समझ में आई? हाँ तो प्यारे बच्चों, शुभ अपशुभ या शकुन या अपशकुन, ये सब मनगढ़ंत बातें होती हैं। तो हमें ऐसी बातों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें तो बस अपने कर्म पर ही विश्वास करना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी अवश्य समझ में आई होगी। अच्छा, मैं पुनः एक नई कहानी के साथ आपसे मिलने आती हूँ। धन्यवाद।